एमपीएड और बीपीएड की फी जो आपने डिपॉजिट करनी है उससे संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ने आपको मेरिट के साथ जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अंदर प्रोवाइड करा दी है। आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहां पर नीचे फी की डिटेल दे दी गई है और लिख दिया गया है आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। किसके फेवर में बनवाना है लिख दिया गया है, बैंक ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ द फाइनेंस ऑफिसर एचएनबी जीयू श्रीनगर गढ़वाल। तो ध्यान रखिएगा आपको इस अमाउंट का यहाँ पर डीडी बनवाना होगा और जो आपको ऊपर डेट दे दी गई है जो सेकंड मेरिट जारी करी गई है एमपीएड की 29 नवंबर और 30 नवंबर को आपको जाकर यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है। यदि आप उस तारीख तक अपनी फी डिपॉजिट नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट नहीं जमा करेंगे तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और जो आगे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं स्टूडेंट उनको मौका दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो नवा दीक्षांत समारोह होने वाला है 1 दिसंबर 2021 को, उसके स्टूडेंट जो अपनी फी डिपॉजिट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनके लिए लास्ट डेट जो है वो कल की है 22 नवंबर 2021। यहाँ पर जो पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट हैं उनको 1500 रुपए डिपॉजिट करने हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं उनको 1000 रुपए डिपॉजिट करने हैं। कहाँ से करने हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके अपनी फी डिपॉजिट कर लीजिएगा। ये पेज आपके सामने ओपन होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यदि आप पीएचडी और एमफिल में रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो आप इस लिंक के थ्रू जाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएट में करनी है तो आप यहां से जाएंगे। जिन स्टूडेंट ने अपनी फी डिपॉजिट कर दी है यदि वो देखना चाह रहे हैं क्या उनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, फी डिपॉजिट हो गई है, तो नीचे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं पीएचडी ऑब्ली एमफिल और पोस्ट ग्रेजुएट। इस पर आप जब क्लिक करेंगे जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपका नाम दिया गया है, आपके कोर्स का नाम दिया गया, आपकी ईमेल आईडी है, एड्रेस है, जो आपने फी डिपॉजिट करी है उसका रेफरेंस नंबर, अमाउंट और ऑर्डर आईडी दी गई है, यानी आपकी फी डिपॉजिट हो गई है। यदि आप यहाँ पर चेक करना चाहें तो अपना नाम चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 61 है जिन्होंने एमफिल और पीएचडी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इसी प्रकार जब आप पीजी में जाएंगे तो पीजी की डिटेल आपको मिल जाएगी, आपका नाम होगा, यहाँ पर फादर नेम भी दे दिया गया है, मदर नेम दे दिया गया है, कोर्स नेम दे दिया गया है, ईमेल आईडी दे दी गई है, एड्रेस दे दिया है और फी डिटेल दे दी है। आप अपनी फी डिटेल चेक कर सकते हैं, आपका नाम यहाँ पर आ गया है या नहीं आ गया है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो अभी तक 86 है, 86 स्टूडेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मैं वापस से आपको बता दूं जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रखी गई है वो 22 नवंबर 2021 रखी गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते रहिएगा, थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबका खैर, थैंक यू, धन्यवाद।